तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने लिखी है 2 by 3 ऑर्डर की, दो रो है तीन कॉलम है, और बी मैट्रिक्स है 3 by 2, 3 रो है 2 कॉलम है। अब इसका पहले देखो कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ए का ऑर्डर था 2 by 3 और बी का ऑर्डर है 3 by 2। ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी सी, जो अभी हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, उसका ऑर्डर होगा 2 by 2, दो रो होंगी 2 कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स में। अब कैसे, ये देखो मैंने ए मैट्रिक्स को पहले लिखा क्योंकि ए प्री मल्टीप्लायर है, बी पोस्ट है, ए को पहले लिखना है, बी को बाद में। मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि ए के जो रो है पहले उसके एलिमेंट्स को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ए के रो को बी के कॉलम से, अब करना कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और बीच में इनको ऐड करते जाएंगे। जैसे अब ये सी मैट्रिक्स बन गई ए और बी को मल्टीप्लाई करके, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर -6 को -3 लेकिन ऐड करते जाएंगे, -6 को -3 प्लस फिर 5 को 2 से, ठीक है जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिया है हमने, ठीक है जी। अब इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और ऐड करके लिख दिया, वो एक एलिमेंट बनेगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम 1 को 5 से, -6 को 7 से और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, 1 into 5, देन -6 plus -6 into 7 प्लस 5 into -2, ये हो गया। अब इसके बाद ये खत्म, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया पहले, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम सेकेंड रो को करेंगे ऐसे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट।